गए तो थे लेकिन वहां आज जगमोहन का लड़का था जिसने हमारी किताब का कॉन्ट्रैक्ट गलत बना दिया। वकील जगमोहन प्रसाद का लड़का? हाँ वही। कुछ ज्यादा ही गर्मी है उस लड़के में, बहुत दिल मिलाया होगा, भड़का होगा बहुत गुस्से में आकर। नहीं मामा जी, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो चुपचाप खड़ा सुनता रहा, बाद में चुपचाप वहां से चला भी गया। ये चुपचाप सुनना और वहां से चले जाना संस्कार, सब नाटक था। हमने भी खूब सुनाया उसे, आखिर उसे नौकरी छोड़कर जाना पड़ा। मैंने नौकरी छोड़ दी, बोर हो गया, बहुत ही नीरस सा काम था। चाचा जी मैं जरा बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि प्रेगनेंसी के वक्त आप जिस तस्वीर को सबसे ज्यादा देखते हैं ना, बच्चा लगभग वैसे ही होता है। और हम चाहते हैं कि आने वाले बच्चे में कृष्ण भगवान की खूबियां। क्यों अब देखा राघव, देखा कितना फर्क है जगमोहन के लड़के में और संस्कार में और समरजीत। हेलो, एक मिनट ब्रिज, ये लता का फोन। बड़ी दीदी आपका फोन है। हेलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर जाने की? जी, वो ये मत भूलो लता कि तुम मेरी बीवी हो। चुपचाप वापस चली आओ वरना इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। हमें नहीं। सारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। खबरदार, जो हमारी बेटी से ऊंची आवाज में बात की, जबान संभाल के बात करो। हम अभी जिंदा है, समझे? मैंने नौकरी छोड़ दी, बोर हो गया, बहुत ही नीरस सा काम था। आप उनकी तरफ से माफी क्यों मांग रहे हैं करण? उन्होंने तो हमारे माता पिता पे उंगली उठाई, पर अगर अभी आपके सामने भी हमारे पिताजी आ जाए ना, तो एक पल नहीं लगेगा आपको उनकी बेइज्जती करने में। आपकी नौकरी नीरस थी इसीलिए आपने छोड़ी? हाँ करण, आपने सिर्फ हमारे पिताजी की वजह से नौकरी छोड़ी,
और हमने हमने पता नहीं गुस्से में आके आपको क्या क्या कह दिया पिताजी को लेकर। आपने हमें उसी समय सच क्यों नहीं बताया करण? आभा, मैंने नौकरी इसीलिए छोड़ी ताकि तुम्हारे पिताजी की किताब छप सके, और ये बात मैंने तुम्हें कल इसीलिए नहीं बताई क्योंकि कल जब तुमने मुझ पे गुस्सा किया तब मुझे गुस्सा कम और अधिकार ज्यादा महसूस हुआ। वो अधिकार जो हम जाने अनजाने में किसी अपने पे जता बैठते हैं। मुझे ये महसूस हुआ कि तुम्हें तकलीफ होती है, तुम्हें शिकायत है इस बात से कि मैं तुम्हारे पिताजी का सम्मान क्यों नहीं करता। जायज है। अभा, कभी सोचा है तुमने कि मेरे तुम्हारे पिताजी के सम्मान करने या ना करने से तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ता है? कभी सोचा है क्यों और किस हक से तुमने मुझे कर डाटा? जैसे कि तुम मेरी पत्नी हो, अगर तुम हमारी शादी को नहीं मानती तो उस अधिकार से मुझसे बात क्यों करती हो? होता है, समय के साथ होता है। कल मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ जो मेरी फितरत से बिल्कुल अलग था, बिल्कुल हटकर। मैं खुद हैरान हो गया कि जो चीज मैंने आज तक कभी दादी के लिए नहीं की, जो चीज मैंने कभी सपने में नहीं सोची, वो मैं कैसे कर बैठा। मुझे नहीं पता मुझ में इतनी हिम्मत कहां से आई। उस समय के लिए शायद मैं नहीं रहा, तुम बन गया। इसी को एक होना कहते हैं आभा, और शायद इसी बंधन को शादी कहते हैं। जब हम किसी को पूरे दिल से प्यार करते हैं तो उसका परिवार भी अपना बन जाता है। आज के बाद तुम्हारे पिताजी मेरे लिए पापा समान है, और इसे तुम नहीं बदल सकती। बना दिया है समरजीत ने हमारी बच्ची का। उसकी इतनी मजाल कि हमारी बच्ची। ठाकुर साहब, गुस्सा करके आप अपनी तबीयत क्यों बिगाड़ रहे हैं? किस्मत के लिखे को कौन बदल सकता है? ये तो भगवान की दया है कि समय रहते समरजीत की असलियत के बारे में पता चल गया और बहन लता को यहाँ ले आई। वरना लता बेटा ये केसर वाला दूध। वो क्या है ना दीदी, जब इन्हें लता की हालत के बारे में पता चला ना तो ये ले आए। 500 रुपए तोला। उधारी पकड़ लाए। शीतल, ओहो, अरे मैं तो महंगाई को रो रही हूँ। वैसे आपने अच्छा ही किया। अब देखना लता, ये केसर वाला दूध पीके तुम्हारा बच्चा कितना स्वस्थ और सुंदर पैदा होगा। इस घर में भी बच्चे की किलकारियां गूंजेगी
ये घर भी खिल उठेगा। लो बेटा। राजू जी, ये सब्जी सिर्फ दादी के लिए बनानी है और पालक का सूप हम खुद बना देंगे। दादी के लिए सिर्फ हरी सब्जियां बिना तेल और मसाले के, ठीक है? जी मैडम। समझे राजू कि नहीं? दादी के लिए सिर्फ हरी सब्जियां बिना तेल और मसाले के। पालक का सूप कौन बनाएगा? मैम। ठीक है सर। ओके सर। आप घर की छोटी बहू हैं, छोटी मालकिन हैं, तो नौकरों को आदत होनी चाहिए ना आपका हुक्म मानने की। करण, तू यहाँ क्या कर रहा है? फ्री है ना? चल ऑफिस में मेरी मदद कर। अरे नहीं भैया, अब मैंने इंडिपेंडेंट होने की ठान ली है। मेरी जिम्मेदारियां जो बढ़ गई हैं। कौन सी जिम्मेदारियां बढ़ गई तेरी? भैया मैं एक ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस में फंसा हूं जिसका सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा। अच्छा, कौन सा केस है? पापा के रिकॉर्ड में हर तरह के केस है, वहां देख ले चल। ऐसा केस तो पापा के ऑफिस में भी नहीं है भैया, ये केस पापा के लिए भी नया है, बहुत ही गंभीर है। सुनिए, एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, दोनों ने तो चुपके शादी भी कर ली है। हाँ? अब प्रॉब्लम यह है कि लड़का तो लड़की को अपनी पत्नी मान बैठा है, लेकिन लड़की अपने परिवार की खुशी के लिए लड़के को ना अपना प्यार जाहिर कर पा रही है और ना उसे पति मान पा रही है। अब ऐसी सिचुएशन में आप ही बताइए, उनकी शादी मान्य है या नहीं? देख करण, कानून तो सबूत मांगता है ना। करेक्ट। अगर सबूत नहीं है तो शादी साबित कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है अगर उस लड़के का प्यार सच्चा है तो वो सच्चाई एक ना एक दिन तो दुनिया के सामने आ ही जाएगी, और उस लड़की को भी चाहे सारी दुनिया के खिलाफ जाना पड़े वो अपने प्यार को मान ही लेगी। आज आपने मुझे सचमुच एक बड़े भैया की तरह समझाया है। सही कहा आपने, वो लड़की मान ही जाएगी। पहले एक बात बता, कहीं मिली या नहीं अभी तक? मिली भी और नहीं भी। मतलब कुछ भी नहीं यार। मतलब स्टिल सिंगल। सेम यार। देखो अपनी डील याद है ना? 25th बर्थडे वाली। राइट। अगर 25th बर्थडे तक हमें कोई नहीं मिलता है तो हम एक दूसरे से शादी कर लेंगे। लेकिन वो तो ठीक है, आप पहले बड़ी तो हो जाइए मिस बोंजाई। ओ हेलो, वैसे मैंने भी तुझे लाइफ में ग्रो करने के लिए बोला था, सिर्फ ताड़ के पेड़ की तरह ग्रो होने के लिए नहीं बोला था। और वैसे अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि ऑल गुड थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेजेस। राइट वीर भैया? राइट। तू बिल्कुल नहीं बदली। पर तू कितना बदल गया? आई एम सो हैप्पी टू सी यू। बहुत बदल गया हूं, या तो फिर शायद किसी ने बदल दिया है। किसने? टाइम ने। तुझसे कितनी सारी बातें करनी है पता है? वैसे मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे थोड़ी देर आराम से रहूंगी और फिर वापस दिल्ली जाऊंगी, तब तक सब कुछ पता करना है लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं। मुझे भी एक एक चीज का हिसाब चाहिए कि व्हाट हैव यू बीन अप टू। सब बैठ के बातें करते हैं कब।
यहाँ पे आते समय बचपन की सारी बातें याद आ रही थी। कैसे करण मुझे हर बात पे चढ़ाया करता था और फिर मैं जगमोहन अंकल के आने का वेट करती थी कि वो आए और मैं उसकी शिकायत करूँ। हाँ, सजा भी तुम ही दिलाती थी करण भैया को पापा से, और तकलीफ भी तुम्हें होती थी। याद है कैसे कॉर्नर में खड़ी होकर रोती थी? मुझे करण के साथ बिताए हुए सारे पल याद है। ओहो, मुझे तो पहले से ही शक था कि तुम्हें करण भैया पसंद है ना? ओ हेलो, वहां साइड में खड़ी रहकर हमारी बातें क्या सुन रही हो? नहीं, हम तो दादी को सूप देने जा रहे थे। तो जाओ ना। अच्छा प्लीज मेरा वो बैग पकड़ा दो ना। काश के बचपन फिर से वापस आ जाए, कितना मजा आएगा ना। डोंट वरी, तुम यहाँ आ गई हो ना तो बचपन के दिन जरूर वापस आ जाएंगे, आई होप। अरे तुम एक काम क्यों नहीं करती, आज रात को करण भैया के साथ डिनर पर चली जाओ। गुड आइडिया, बहुत ज्यादा मजा आएगा, मेरे से भी बहुत सारी बातें कर। क्या किया ये? सारा सामान गिरा दिया। आई एम सॉरी, वो इसे तो कुछ भी नहीं आता। गुड फॉर नथिंग। इट्स ओके, कोई बात नहीं, सामान जरा ठीक से डालना, एक्सपेंसिव है। बैग इधर लाओ। नो यार, ये हमेशा ऐसा ही करती है। डॉक्टर साहब, अब दादी की तबीयत कैसी है? मेरा मतलब है कोई घबराने की बात तो नहीं? बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं। आप लोगों ने इतनी अच्छी तरह से ख्याल रखा है दादी का कि वो पहले से काफी बेहतर हैं। ओह थैंक यू। वो एक्चुअली क्या हुआ ना कि मैंने ना ये सब कुछ आभा ने किया, इसका सारा क्रेडिट आभा को जाता है। आभा ने दादी का इतने अच्छे से ख्याल रखा है जैसे एक बहू रखती है। इन्होंने अपना फर्ज बखूबी निभाया है। अच्छा ये बताइए, दादी अब जहाँ पे जा रही हैं वहाँ पर भी इसी तरह से कोई ख्याल रखने वाला है या नहीं? जी जी बिल्कुल, हमारी बुआ जी यानी कि दादी की बड़ी बेटी और उनका परिवार है। फिर तो बहुत अच्छी बात है, जैसा हो मुझे इन्फॉर्म करते रहिए। अब रामनवमी की पूजा कौन करवाएगा? भाभी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, दादी ने सारी इंस्ट्रक्शंस आभा को दे दी हैं। आभा पूरी पूजा सिंगल हैंडेडली संभाल लेगी। आप हमेशा की तरह बेफिक्र रहिए ना, बेस्ट है। तुम ना कर। हाँ भाभी, करण भैया सही तो कह रहे हैं, जब घर में इतने सारे नौकर हो हमें काम की टेंशन लेने की क्या जरूरत है। और जब दादी ने आभा को इंस्ट्रक्शंस दे दिए तो आभा तो काम कर ही लेगी, राइट? चले भाभी। लवू, पूछो ही समथिंग दैट आई रियली मिस। आई एम सो एक्साइटेड। अब आभा, मैं भी तुम्हारी मदद करूं पूजा की तैयारी करने के लिए? हाँ हाँ बिल्कुल। ग्रेट, तो मैं फटाफट जाके अनपैक करती हूँ और तुम मेरे लिए काम तैयार रखना। आई हेल्प यू। थैंक यू, हमारी दादी का तुमने इतनी अच्छी तरह ध्यान रखा। इंसानियत से बड़ा और कोई रिश्ता नहीं होता, और उसी रिश्ते के नाते हमने दादी का ध्यान रखा, इसलिए नहीं कि वो आपकी था। बड़ों की सेवा करना छोटों का फर्ज होता है, उसके लिए किसी खून का या और कोई भी रिश्ते का होना जरूरी नहीं। तुम मेरे कौन हो बता दो, कौन हो तुम, मेरे कौन हो।
मुझे बहुत जरूरी काम है। करण प्लीज रुको ना, मैंने तुमसे कितनी सारी बातें करनी है पता है। आई नो पर अभी टाइम नहीं है। एक काम करते हैं कहीं बाहर चलते हैं। अरे नहीं सानिया, डॉक्टर ने किसी ना किसी को दादी के पास रहने के लिए कहा है और अभी अभी दवाइयाँ भी बदल के दी हैं, तो कम से कम दवाइयाँ तो ले आऊं। करण प्लीज हम जल्दी वापस आ जाएंगे, ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, इनफैक्ट तुम्हारे मनपसंद रेस्टोरेंट में जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बस दवाइयाँ लेके आता हूँ और फिर चलते हैं। प्रॉमिस प्रॉमिस ओके। करण आभा, करण से कुछ काम था? नहीं, वो दादी ने करण को कुछ नहीं। आभा जी, मैं तो कहता हूं कि कोई कुछ भी दे पर एक बार जरूर देख लेना चाहिए कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। आभा जी, आप कुछ ढूंढ रही हैं? नहीं तो वीर भैया। हाँ, करण कहीं गए हैं क्या? हाँ, सानिया के साथ गया होगा, उसी के साथ देखा था मैंने थोड़ी देर पहले। खाने पे गए हैं? हाँ। आप इतना क्यों पूछ रही हैं? कुछ काम है? नहीं तो हम बस सोच रहे थे, घर पे इतना सारा खाना रखा है तो बाहर जाने की क्या जरूरत है। हाँ लो, करण आ गया। करण इधर, कहाँ गया था? अरे वो डॉक्टर ने दादी की दवाइयाँ बदल के दी थी, वही लेने गया था। हाँ क्या हो रहा है? अरे पता है सानिया क्या कह रही थी? हमें नहीं सुनना कौन क्या कह रहा था, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको क्या हो गया? ऐसे आसमान में क्या दिख रहे हो संस्कार? अब एक टक चांद को देखना मुझे अच्छा लगता है। और ऐसे गाने सुनना भी अच्छा लगता है। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तुम और क्लासिकल म्यूजिक, इस उम्र में तो जनरली लोग रोमांटिक सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं। जनरली, अब बात एक्सेप्शन भी तो होती है। वो क्या है अबा कि ऐसा संगीत सुन के मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद के और करीब आ गया, सुकून मिलता, रूबरू हो जाता हूँ कुछ से। अच्छा तुम हंस रही हो? तुम्हें मजाक लग रहा है? मैं सीरियस नहीं कह रहा हूँ, आई स्वेयर। देखो अबा, आंखें बंद करके शांति से ऐसे म्यूजिक को सुनो, तुम्हें खुद एहसास हो जाएगा तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। नहीं एक बार करके देखो, एक बार आंखें बंद करके। अरे करके देखो, शांत बन, आंखें बंद, नो चीटिंग।
देखा? हमारी छोड़ो, तुम अपनी आंखें बंद करो और बताओ कि तुम क्या देखते हो। ठीक है, क्या दिख रहा है? एक लड़की और कानों में झुमके हवा में लहराता हुआ दुपट्टा, कोमल नाजुक कलाइयों में खनखनाती हुई चूड़ियां, छमछम बजती पायल। नाम क्या है उसका?